दिख रहा है आप लोगों को गाड़ी ना। कौन जानता था यार कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के एक बंदा उड़ीसा के इस बीच पे पहुंच जाएगा। दिख रहे कितना सामान सारा फैला रखा है मैंने, सारा कपड़ा, चार्जर, बोर्ड इधर। कल शाम में गया था मंदिर घूमने तो जगन्नाथ जी का कुछ स्टैचू मूर्ति मिला, वो ले लिया। बाकी हेलमेट अपना इधर शूज, ये तो बारिश में पूरा गीला हो रखा है अभी भी। पावर बैंक, फोन, टूटल चीज वैसे के वैसे फेंका हुआ। और मैं अभी नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। टाइम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, टाइम हो रहा है 4:40। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओडिशा जगन्नाथपुरी। दिस इज रामजी साहब, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, कल शाम को मैं आप लोगों को दिखाया जगन्नाथपुरी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई दिक्कत अगर किसी चीज़ की है ना तो वो रूम मिलना बहुत ही कठिन काम है। यहाँ पे रूम मिलना बहुत मुश्किल से तो रूम मिला यार, रूम तो मिल गया बट कोई बात नहीं, रूम जैसा तैसा मिला। रूम कुछ खास नहीं है पर पैसे कुछ ज़्यादा लग गए, 800 रुपये लग गए। अभी तो बता रहे थे कि दशहरा पूजा में यहाँ पे 2000-1500 ऐसे रूम का रेंट चल रहा था पर डे का। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:40 और 5 बजे मंदिर का गेट खुल जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके पहला दर्शन कर लूँ और पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद निकलूँ फिर बीच घूम लूँ, उसके बाद कोणार्क टेम्पल, फिर भुवनेश्वर, कटक, ये होते हुए फिर वापस हो जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। कौन जानता था यार कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के एक बंदा उड़ीसा के इस बीच पे पहुंच जाएगा, जो कि कभी मेरा सपना हुआ करता था। मैं टीवी में देखा करता था या मोबाइल पे ब्लॉग देखा करता था, लेकिन आज खुद मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी मेहनत का सफल और एक अच्छा सा परिणाम मिला है मुझे। मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा और घुमा फिरा और अभी समुंदर के पास बैठ के इसका लुत्फ़ उठा रहा हूँ। देख रहे हो, अगर मेरा प्लान हो रहा है ना अभी इस गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन ये बंदा थोड़ा पैसा ज़्यादा मांग रहा है। अगर ठीक ठाक 100 रुपये के आसपास लिया ना तो मैं इसको चलाऊंगा, देखता हूँ कैसा राइड रहता है। तो मेहनत करो यार, मेहनत करने से ना हर चीज़ आसान हो जाती है। भले मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगे लेकिन सफलता अच्छी मिलेगी, ये मैं जान चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बिहार के छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से आके यहाँ पे पहुँचा बहुत बड़ी बात है भाई। 1033 किलोमीटर की राइड की है मैंने और यहाँ से अभी आज की राइड 2-3 जगह और बाकी है। भुवनेश्वर हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, उसके बाद कटक में रुक जाएंगे। आज कर्जन सिस्टर है उनके घर पे, बाकी इसका लुत्फ़ तो उठा रहे हैं, आप लोग भी उठाओ। भाई रुका था तो सोचा कि इडली खा लूँ बीच पे, ये भी यादगार रहेगा मेरे लिए और अपना ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। बीच पे यार इडली खा रहा हूँ, देख रहे हो क्या ही शानदार बनाया भाई ने, मतलब बिल्कुल स्वाद है इसमें, मज़ा आ रहा है। चलो भैया यहाँ से निकलते हैं और जैकेट अपना डाल लिए,
लगेज बांध लिया भाई, तीसरी मंजिल पे रूम मिला था और रूम से सामान को लगेज को उतारते उतारते ना मेरी हालत ख़राब हो गई। और यहाँ से दिखा रहा है कोणार्क टेम्पल 34-35 किलोमीटर 52 मिनट, तो चलते हैं वहाँ पे पहले। हेलो भैया, निकला जा। बाकी यार ये शहर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर जगह है। मंदिर आप लोग देख लो, मंदिर भी बहुत अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है यार कि यहाँ पे लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं, उड़ियाई भाषा ज़्यादा समझते हैं। बाकी बीच पे घूमा, बीच बहुत ही अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था कि यार मैं यहाँ पे बीच पे घूम पाऊँगा। उड़ीसा के बीच पे घूमा, एक गाड़ी थी वो गाड़ी चलाया, मज़ा आ गया भाई, इडली खाया। यहाँ से कोणार्क टेम्पल दर्शन करने के बाद उसके बाद मैं निकल जाऊँगा भुवनेश्वर के लिए, और भुवनेश्वर से जितना हो सकता है ना उतना मैं बाइक को खींच कर लेके चलूँगा, क्योंकि इधर अभी न कल से तूफान पानी दिखा रहा, तो अगर मैं गिर गया तो फिर घर जाने में परेशानी होगी। और वैसे भी दुकान पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, दुकान बंद है, कस्टमर लोगों का फ़ोन आ रहा है। थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाला हूँ और घूमने निकला है, तो यार आप लोग भी निकालो, ज़िंदगी में काम कभी भी कम नहीं होने वाला है। सारे लोग चले अपने ड्यूटी ऑफिस और मैं चला भैया घूमने के लिए। भाई साहब अभी यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है कोणार्क टेम्पल, वहाँ पे 19 किलोमीटर और मैप में 18 किलोमीटर। तो यार वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना। अपना ग्लव्स अभी मैंने रख रखा है, पहले पूरा घूम फिर लेते हैं उसके बाद अपना ग्लव्स लगाएंगे भुवनेश्वर पहुँचने तक। बारिश दिखा रहा है कल से यहाँ पर, बहुत ही तगड़ा वाला चक्रवाती तूफान आने वाला है इधर, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि उड़ीसा से निकल लूँ आज शाम तक, उड़ीसा से निकल के झारखंड में जहाँ भी देखूँगा स्टे कर लूँगा अपना। सोलो राइड में ना एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है, एक तो आप खुद अकेले होते हो और साथ में एक आपका कैमरा जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, आप कैमरे के साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और इधर भाई ग्रीन ग्रीन इतनी ज़बरदस्त हो रखी है, तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि एक शानदार सा लेक दिखा है मुझे, पैलेस रेड टावर, कितना टाइम रुकना है वो सारी चीज़ें इन लोगों ने वहाँ मार्किंग कर रखी है। और ये पेड़ दिखा है दो, एक घास के जैसा इसका पत्ता है और कितना सुंदर लग रहा है, क्या ही कहा जाए इसके बारे में। भाई देख रहे हो लेह कितना तगड़ा लग रहा है। सामने देखो भाई समंदर, और इस बहती लहर में वहाँ एक छोटा सा डेंगी नाव निकल रहा है। भाई कैसे लेके चले जाते हैं यार ये लोग, डर नहीं लगता इन लोगों को? पानी की लहर इतनी है, 4-4 फीट ऊपर आ रहा। मतलब नेक्स्ट लेवल का व्यू है यहाँ पे। वेलकम टू कोणार्क नोटिफाइड एरिया काउंसिल भैया, स्वागत है आप सभी का। देखा तो कितना शानदार सा बना रखा है यार, बहुत ही तगड़ा बनाया भाई। उड़ी में अभी तक जितना दूर घुमा ना सब जगह मुझे अच्छा लगा, सब जगह। रोड पे तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ऐसा तो अपने बिहार क्या
सॉरी झारखंड में भी देखने को नहीं मिला जितना सॉलिड रोड इधर देखने को मिला। वही इन सब की सोच कितनी सॉलिड है और रखी है। एक तो ये रोड के आजू बाजू दोनों तरफ ना पूरा पेड़ ही पेड़ लगा रखा है, साइड में फूल देख रहे हो बहुत ही तगड़ी सी, एक अच्छी सी मतलब साफ सुथरी स्वच्छ अपने राज्य को बनाने की सोच रखी है इन लोगों ने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के यार। पता नहीं अपने बिहार को कब ऐसे सोचेगी। भाई साहब मंदिर के गेट पे पहुंच चुका हूँ, मसाला डोसा पी रहा हूँ क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रखी है, धूप इतना तगड़ा हो रखा है। भैया आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा आपको दिखाएंगे, अगर कैमरा अलाउ नहीं हुआ तो वहाँ पे बंद कर देंगे, बाकी तो घूमते घुमाते हैं चलते हैं। टिकट लेते हैं भाई, टिकट के लिए लाइन देखो कितनी तगड़ी लगी हुई है। और हाँ मंदिर टिकट के लिए ऐसे लाइन में लगे जैसे जनरल डब्बे में सफ़र करना हो ट्रेन से। जनरल डब्बे का टिकट लेना है, गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको लेफ्ट साइड में वो टिकट काउंटर दिख जाएगा, 40 रुपये का टिकट है। चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और नहीं तो ऑफलाइन इजी मिल जाता है, थोड़ा सा लाइन लगना पड़ता है 10-5 मिनट का क्योंकि भीड़ होता है यहाँ पे। और सामने भाई देखो मंदिर, क्या खूबसूरत दिख रहा, लेकिन है बहुत पुराना। तो चलते हैं आपको इसका दर्शन करवाते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है, फट गया ऊपर। ए जमना ठीक है, खड़ा अभी कर जाओ। तो भाई जब भी आप अपनी छुट्टी का प्लान कर रहे हो, उड़ीसा आ रहे हो, तो इस टेंपल को घूमना नहीं भूलना, बेस्ट विजिट पहले से ही है। इसकी नक्काशी देखो यार, बहुत ही पुराना मंदिर है, शायद 1250 ईस्वी में ये मंदिर बना था, और अभी से इसका देख रहे हो नक्काशी कितना तगड़ा तगड़ा है। इस पर गौर करो आप लोग, 1, 2, 3, 4 फिर उधर, शायद ये पता नहीं कोई रथ जैसा लग रहा है बनाया हुआ, रथ के जैसा देख रहे हो। कोणार्क टेम्पल सूर्य मंदिर घूम लिया, और भाई साहब यहाँ के नकाशे आप लोग एक बार चेक करो, देखो कैसा बना हुआ है। और यहाँ से अपना मैप लगा दिया भुवनेश्वर का, जो कि 67 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 48 मिनट भुवनेश्वर दिखा रहा है यहाँ से 59 किलोमीटर। और मुझे अभी नींद आने लगा क्योंकि मैं कल रात में पूरी अच्छे तरीके से सो नहीं पाया, 11:24-25 तक तो वीडियो एडिटिंग हुआ, और सो नहीं पाने का कारण है कि बाइक मेरी बाहर ही पार्किंग की गई थी, उसकी वजह से ना मुझे नींद नहीं आ रहा था डर की वजह से। तो कहीं देखते हैं चाय का ढाबा हुआ, देखते हैं चाय पियेंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे और भुवनेश्वर घूम के आज कहीं स्टे कर लेंगे आज का अपना, और कल मॉर्निंग में उठ के निकल लेंगे। तो भैया आज का अपना पहले पेट्रोल करवा लेते हैं यार, क्योंकि बाइक ब्लिंक लेने लगी है।
भैया टंकी करवाते हैं पुल। अरे बाप रे बाप, 1100 का फिर आया पेट्रोल यार। एक्सपल्स तो टंकी हो गई अपनी फुल। नो डाउट कि अब कोई डर नहीं है, हाईवे पे अपना बाइक बंद होगा। भाई साहब बहुत डर रहा था मैं यार कि कहीं हाईवे पे बंद हुआ ना तो फिर धक्का देना पड़ जाएगा। आज का अपना हो गया 1100 रुपये का पेट्रोल। फर्स्ट डे 1115, सेकेंड डे 1000 और आज का 1100। जमशेदपुर दिखा रहा है 10 बजे रात को पहुंचने के लिए, लेकिन अपने को वहां पे 9 बजे तक पहुंचना है क्योंकि उधर ना यार बहुत ही टफ है यार रूम मिलना। रूम जल्द मिल नहीं रहा है। यही अगर मैं नेपाल के साइड होता वो धकाधक रूम मिलता है भैया। पता नहीं इधर रूम क्यों नहीं देते हैं लोग। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका डिस्क बॉकेट फंस रहा है, ब्रेक लगा रहा हूँ तो उसको भी चलेंगे तो ठीक करवाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि कितना मैंने चलाया इस बाइक को और कितना का पेट्रोल लिया, कैसी परफॉर्मेंस रही सेकेंड हैंड बाइक चलाते समय, और सेकेंड हैंड बाइक लेके मैं इतना लंबा चला आया और भी सोलो, तो इन सब का एक मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी शानदार सा एक ब्रिज मिल गया है हमें, पता नहीं यार कौन सा ब्रिज है। इसमें अभी खाजो जोड़ी ब्रिज, पता नहीं यार क्लियर नाम समझ में नहीं आ रहा है। मैं उतना चला रहा हूँ तो सही से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, पर भी यार ब्रिज बहुत शानदार सा है। भाई मैं बहुत ही आराम से चल रहा था 60-80, पीछे से अचानक से डिफेंडर आई और एकदम अचानक से तेज़ी में निकली यार, और मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। भाई क्या लग रही है यार, बहुत ही पप है, यूनिक बनाया है इसको। दाम भी तो ले रहा है भैया, पैसा 1.5 करोड़ रुपए की बाइक गाड़ी है। ओ भाई साहब आ गया, इसके पास आ गया डिफेंडर। ओ पास में आया लेकिन ये फिर तुरंत निकल ली मेरे से पहले। जब आप अपनी बाइक की चैन लिप कर लेते हो ना तो आपकी बाइक की चाल एकदम चीते जैसी हो जाती है। जब मैंने अभी पीछे रुक के और अपने बाइक का चैन लिप किया है, उस समय से बाइक चल रही है 80-100 इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। उसके पहले अगर 60 पे चल रहा था ना, 60-70 पे खर खर घसर घसर का साउंड आ रहा था इससे। देखो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, ओ भाई साहब चालान काट रहा है। कट गया होगा मेरा चालान आज तो। भाई लैपटॉप पे ही बैठा है। स्टेट गवर्नमेंट की चीटिंग होगी, एक तो इतना कैमरा लगा रखा है ऊपर से हर जगह जगह पे भाई कार लगवा के उसमें स्पीडो मीटर चेकिंग करवा रहा है। ये तो भाई स्टेट गवर्नमेंट की चीटिंग हुई। सोचो बंदा कितना फाइन भरेगा यार। अभी जमशेदपुर यहाँ से दिखा रहा है 222 किलोमीटर और मेरी बाइक में लाइट नहीं है सही से कि मैं सामने देख पाऊँ। अभी तो पीछे से लाइट आ रहा है गाड़ियों का तो सही है, जब लाइट नहीं हो रहा है गाड़ी पीछे नहीं हो रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि कहीं होटल लेके
स्टे कर लेता हूँ, सुबह में 2 बजे या 3 बजे निकल लूँगा, क्योंकि ये सब जगह अनजान है मेरे लिए और मैं पहली बार इधर राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो आगे जो भी होटल दिखेगा मैं उसमें बात करूँगा, अगर रूम मिल जाता है रुकने के लिए तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ के देखूँगा और आगे देख के रुक लूँगा, क्योंकि अभी आप लोग सामने देख रहे हो लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है मेरे बाइक के सामने। मैं फाइनली इस होटल में मैं रुक गया हूँ होटल में, और देखो सामने होटल होटल एंड लॉज, ये एक रूम पड़ा है नॉन एसी 700 रुपीज़ का, बहुत कहने सुनने पे इसमें मिला है। रुका हूँ सामने, जस्ट आया हूँ यहाँ पे, देखो एक छोटा सा ढाबा है वहाँ पे, एक कचौरी तो नहीं है पकौड़ी, प्याजू है और आलू का सब्जी है, तो इसको खाते हैं। थोड़ा भूख लगा यार, दोपहर में कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस वैसे हल्का फुल्का इडली उटली खा के निकल लिया हूँ। तो ये अपना कुछ ऐसा होटल में रूम मिला था,